कोटा में सीवी गार्डन स्थित कला दीर्घा के सामने ग्रामीण हाट बाजार एवं प्राचीन बावड़ी के अस्तित्व का संकट होने पर कोटा हेरिटेज सोसाइटी एवं भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक ने आपत्ति दर्ज कराई है। कोटा हेरिटेज सोसाइटी एवं कला दीर्घा बचाओ आंदोलन के संयोजक राजेश राय सहित अन्य गणमान्य लोगों ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की आड़ में यहां प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर अब नगर विकास न्यास राख डालकर वेटलैंड को भी खत्म कर बस स्टैंड बनाने के लिए रास्ता निकाल रहा है, जो कि अनुचित है और इस पर्यटन महत्व के क्षेत्र के लिए अनुचित है। इसके लिए पूर्व में राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है और अब पुनः मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत कर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस दौरान विरासत के साथ की जा रही छेड़छाड़ को लेकर आंदोलन के रूपरेखा पर चर्चा की गई।